दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सिविल इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे, फ्रेशर एलिजिबल हैं, आपकी डायरेक्ट भर्ती रहेगी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश की तरफ से 9 मार्च को निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग प्रोजेक्ट नंबर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। टोटल यहाँ पर आपकी एक पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी। क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में और उसके साथ अगर आपने एमईएमटेक किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया है आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। बात करें आपके पे लेवल के बारे में तो सैलरी यहाँ पर आपको 31,000 रुपये प्रति मंथ प्लस आप लोगों को यहाँ पर HRA प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना अपडेटेड सीवी लेना है, उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको सेल्फ टेस्ट करना है और आपको भेज देना है इनकी ऑफिशियल ईमेल पर। इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।